नवरात्र में अलग अलग दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिससे साधक को जीवन में कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। माँ दुर्गा के स्वरूप में मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा को पीला और सुनहरा रंग अति प्रिय माना गया है, ऐसे में उनकी पूजा में अधिक से अधिक इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही पूजा में खुद भी इस रंग के वस्त्र धारण करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। साथ ही नरवाण मंत्र का जाप करें। इसके बाद अर्पित किए हुए लाल वस्त्र को अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित दोष है तो उन्हें नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसे में आपको इस दोष से राहत मिल सकती है, साथ ही कुंडली में भी शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को लाल फूल, एक तांबे का सिक्का या फिर तांबे की कोई वस्तु अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर माता की कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है।